तवा पाप है वो मिटेगा। समझ में आया? ऐसे नहीं कई भी सत्संग, जब ब्रह्मा कुमार आश्रम में जाओ तो एक सत्संग है, हर एक कहता है बिजनेस वाला मेरा माल ही अच्छा है, ये माल खराब है वो नहीं ले लो, मैं ही अच्छा हूं। नहीं, कोई मापदंड होना चाहिए ना, हर चीज का मापदंड है। किससे कहते यही ज्ञान सही है, ये ज्ञान गलत है, तो कहते कहीं भी ये तीन चीज मिलनी चाहिए। अगर किसी भी जगह जाओ तीन चीजें हैं तो वो उसका नाम हम सत्संग में गए थे, उसके द्वारा धीरे धीरे मेरे अंदर जो बुराई है आचरण व्यवहार बोल कर परिवर्तन होता जाएगा। मंजूर? ठीक है कि गलत है? स्वीकार स्वीकार है कि नहीं? भाई जी किधर भी जाओ सुनो तो चलेगा, कल्याण होगा। अब देखो हम रामायण सुना, महाभारत सुना, गीता सुना, कुछ परिवर्तन हुआ? कितने सालों से सुनते आए, हनुमान चालीसा पढ़ा, कितना कुछ किया, परिवर्तन कुछ हुआ? तब कहा कि निराकार भगवान एक ही है, उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, किसी ने नहीं कहा। लक्ष्मी की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, सरस्वती की पूजा करो, हनुमान की करो, पाप मिटाता है, किसी ने नहीं कहा। ना राम ने कहा, ना कृष्ण ने कहा, ना और किसी ने कहा। किसने कहा? एक ही शिव बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं और कुछ नहीं देता हूं, ना बीमारी ठीक करता हूं, ना सोना देता हूं, ना हीरा देता हूं, ना कुछ करता नहीं, एक ही मेरा काम।